हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एडसेंस अकाउंट में अपना बैंक अकाउंट कैसे ऐड करें, क्योंकि जब आपके एडसेंस में $100 पूरे हो जाते हैं और आप अपनी पेमेंट निकालना चाहते हैं तो उस पेमेंट को निकालने के लिए एडसेंस में हमारा बैंक अकाउंट ऐड होना चाहिए जिससे आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में आ सके। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहले हम यहाँ अपना ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। हम किसी भी ब्राउज़र में इसे ओपन कर सकते हैं और ये सेम प्रोसेस हम फ़ोन से भी कर सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ब्राउज़र में हम अपने एडसेंस अकाउंट को लॉगिन करेंगे। जिस भी जीमेल आईडी से हमारा एडसेंस अकाउंट बना है हम उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा एडसेंस अकाउंट लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए दो तीन तरीके हैं तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ हमें नोटिफिकेशन दिख रहा है, जब एडसेंस पर किसी भी तरह का अपडेट आता है वो यहाँ शो होता है, हम यहाँ से उस पर एक्शन ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये चार नोटिफिकेशन दिखा रहा है जिसमें से एक हमें अभी दिख रहा है। अब हम इस एरो पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दूसरी नोटिफिकेशन आ जाएगी। यहाँ लिखा है टू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम एडसेंस यू नीड टू एड योर पेमेंट इन्फो एंड कनेक्ट योर साइट। अब यहाँ हम एक्शन पर क्लिक करेंगे तो सीधे हम उस पेज पर चले जाएंगे जहाँ से हम अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला तरीका था। अब दूसरे के लिए हमें यहाँ पर नोटिफिकेशन आइकॉन दिख रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ नोटिफिकेशन आ जाती है। अगर आपको एडसेंस के होम स्क्रीन पर नोटिफिकेशन नहीं शो होती है जो हमें पहले वाले तरीके में दिखी, तब आपकी वो नोटिफिकेशन यहाँ देखने को मिल सकती है। आप यहाँ से भी अपने बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा तीसरा तरीका जो मेन प्रोसेस है। ये तो हो गया कि हम नोटिफिकेशन के जरिए उस पेज पर कैसे जा सकते हैं जहाँ से बैंक अकाउंट ऐड किया जा सकता है। और अगर हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलती है फिर हमारे पास एक परमानेंट ऑप्शन होता है, उसके लिए हम यहाँ साइड बार में आ जाएंगे। यहाँ हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, यहाँ से हम नीचे जाते हैं, यहाँ हमें एक ऑप्शन मिलता है पेमेंट का, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने दो ऑप्शंस आ जाते हैं, इनमें से हम पेमेंट इन्फो पर क्लिक करेंगे। पेमेंट इन्फो पर क्लिक करते ही हमारे सामने ऐसा पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ से हम नीचे जाएंगे, यहाँ लिखा है हाउ यू गेट पेड, यहाँ पर ये बोल रहा है ऐड अ पेमेंट मेथड टू रिसीव योर पेमेंट्स। अब हमें अपना बैंक अकाउंट यहाँ ऐड करना है तो हम यहाँ से ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने ऐसा पेज ओपन हो जाता है जहाँ पर हमें अपनी डिटेल्स डालना होती है। तो आप इसके लिए अपनी पासबुक ज़रूर अपने पास में रखें ताकि आप सही डिटेल्स यहाँ डाल सकें। सबसे पहले यहाँ पर है बेनिफिशियरी आईडी, इसे हम भर भी सकते हैं और खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसे छोड़ देते हैं। यहाँ ये बोल रहा है नेम ऑफ बैंक अकाउंट, तो इसमें आपका नाम आएगा जो कि बैंक में दर्ज है और हमारी पासबुक पर लिखा है, तो हम अपना नाम यहां पर डाल देंगे। इसके बाद है बैंक नेम, तो यहां पर हमारे बैंक का नाम आएगा जिसमें हमारा अकाउंट है, तो हम इसे भी डाल देते हैं। उसके बाद है आईएफएससी कोड, तो आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है उसका आईएफएससी कोड यहां पर डाल देंगे। आईएफएससी कोड डालने के बाद आता है स्विफ्ट कोड, ये एक कोड होता है जो आप ऑनलाइन भी अपने फ़ोन में सर्च कर सकते हैं ब्राउज़र में जाकर, और फिर भी नहीं मिले तो आप अपनी बैंक में जाकर ब्रांच मैनेजर से पता कर सकते हैं। तो हम अपना स्विफ्ट कोड यहाँ डाल देते हैं। उसके बाद है अकाउंट नंबर, तो यहाँ पर हमें हमारा बैंक अकाउंट नंबर डालना है, तो आप अपनी पासबुक में देख कर अच्छे से अपना अकाउंट नंबर यहाँ डाल दें। अकाउंट नंबर डालने के बाद नीचे भी हमें वही अपना अकाउंट नंबर डालना है दोबारा। दोनों में अकाउंट नंबर डालने के बाद हम नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ हमें एक ऑप्शन आ रहा है इंटरमीडियरी बैंक, और यहाँ लिखा है आस्क योर बैंक, तो आप अपने बैंक से पूछ सकते हैं इसके बारे में। और यहाँ नीचे लिखा है इंटरमीडियरी बैंक नेम जो कि ऑप्शनल है, तो अगर आपको इंटरमीडियरी बैंक का पता है तो आप यहाँ पर नाम डाल दीजिए, वरना ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं, तो हम इसे छोड़ देते हैं।
इसके बाद है इंटरमीडियरी बैंक स्विफ्ट कोड, तो ये भी ऑप्शनल है, हम इसे भी छोड़ देंगे। फिर आता है FFC और FBO, ये भी यहाँ ऑप्शनल है, इसे भी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। तो जो भी ज़रूरी डिटेल्स यहाँ पूछी गई हैं हमने वो सभी फिल कर दी हैं, और जो डिटेल्स ज़रूरी नहीं थी वो हमने छोड़ दी हैं। उसके बाद यहाँ पर है सेटस प्राइमरी पेमेंट मेथड, यहाँ पर ये ऑलरेडी टिक रहता है तो हमें इस पर टिक रहने देना है, और अब हम सेव पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमारी पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, और देखिए हमारा बैंक अकाउंट भी हमारे एडसेंस अकाउंट में ऐड हो चुका है। अब अगर आप चाहते हैं तो इसे यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, और अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, और अगर आप दूसरा अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड पेमेंट मेथड करके दूसरा अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये थी एडसेंस अकाउंट में बैंक अकाउंट ऐड करने की पूरी प्रोसेस। अब अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।